Dear students, I am Dr. Harban Singh from Department of Business Administration, SBC Government College, Ajmer. आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट. हमने इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो उसमें मैं आपको कई कंसेप्ट बता चुका हूँ, जिसमें कि आपके जो 4P का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो मैकार्थी ने दिया था, उसके बाद में हमने जो मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया, और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंड करेगा कि मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट वो चूज़ करती हैं, उनको ऑपरेशनलाइज करती हैं. एक मैक्रो लेवल पे आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है मार्केटिंग का, जिसमें हमने क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग और डिलीवरिंग की बात करी. मार्केटिंग इन तीन शब्दों से परे नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीन शब्दों में बांधना भी मार्केटिंग को बहुत मुश्किल है. मार्केटिंग का जो प्रेजेंट जो फेसेट है वो इतना डाइवर्सिफाइड है कि उसको नटशेल में बताना बहुत ही मुश्किल है. लेकिन हम ये जानते हैं कि मार्केटिंग जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मार्केटिंग फंक्शन भी इक्वल है दूसरे मैनेजमेंट फंक्शंस के, जैसे कि चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो. तो मार्केटिंग भी अब एक इक्वल प्लेस रखता है उन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में. कई बार देखा जाता है कि मैनेजमेंट में जो सेलिंग है उसको मार्केटिंग का एक हिस्सा बना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सेलिंग एक अलग फंक्शन है और मार्केटिंग एक अलग फंक्शन है. अगर टर्म्स की बात करें तो जो सेलिंग है वो थोड़ी नैरो टर्म है और जो मार्केटिंग है वो थोड़ी ब्रॉड टर्म है. आज हम अभी बात करेंगे इसकी, लेकिन जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक ओवरव्यू देना है इस मार्केटिंग के लिए, ताकि एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए सो दैट यू विल लर्न अदर कंसेप्ट. तो आई होप कि आपकी थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन बन रही होगी, तो आप समझ पाएंगे आगे के आने वाले कॉन्सेप्ट्स को. जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो सेलिंग और मार्केटिंग है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और जो मार्केटिंग है वो एक ब्रॉड टर्म है जबकि जो सेलिंग है वो एक नैरो टर्म है. सेलिंग बेसिकली देखा जाए तो सेलर ओरिएंटेड होती है, और मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर या कस्टमर ओरिएंटेड होती है. सेलिंग में जो सेलर होता है वो बस उसका फोकस होता है प्रोडक्ट को सेल करना, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो. जबकि मार्केटिंग में, तो अगर हम प्रेजेंट कंसेप्ट की बात करें मार्केटिंग के, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट क्या होगा ये भी मार्केटिंग बताएगी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से पूछकर. तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में. और जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को बेचकर उसको कन्वर्ट करना चाहेगा कैश में, जबकि जो मार्केटिंग है वो कस्टमर बेस्ड है, बायर बेस्ड है, तो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयत्नशील रहेगी. दे हैव टू बी स्ट्राइफुल फॉर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे पहले हमको थियोडोर लेविट ने हमको समझाया. तो लेविट ने ही कहा कि जो सेलर है, जो सेलिंग है वो सेलर ओरिएंटेड है, और जो मार्केटिंग है वो बायर ओरिएंटेड कह लीजिए या फिर कस्टमर ओरिएंटेड कह लीजिए. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक बहुत ब्रॉड डिसिप्लिन हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि मार्केटिंग है. मार्केटिंग को एक पेपर के रूप में पढ़ना बहुत मतलब पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं एक बार में ले सकते. धीरे धीरे हम सभी कॉन्सेप्ट्स को लेंगे. यहाँ पर भी जो आपका जो सिलेबस है
वो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है, वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजिंग फेस ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग आप समझ गए हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है? देखिए, मार्केटिंग क्योंकि कस्टमर बेस्ड है, तो जैसे जैसे कस्टमर्स की आदत बदलेगी, उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, नीड, वांट्स, ये सभी चेंज होंगे, तो मार्केटिंग भी अपना फेस चेंज करेगी। और देखा जाए तो इस पेंडेमिक में भी जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अपना काफ़ी हैबिट्स चेंज की हैं, अपनी प्रेफरेंसेस चेंज की हैं, तो जो मार्केटिंग है वो अब काफ़ी बदल चुकी है, धीरे धीरे बदलती आ रही है। चाहे वो मीडिया वाइज देखें, चाहे मैसेज वाइज देखें, ई कॉमर्स देखें हम, या जो आपके जो सोशल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप देख लीजिए, ऐड वगैरह आप देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपने वेरिएंट्स ला रहे हैं, थोड़े इकोनॉमी जो वेरिएंट है वो लेके आ रहे हैं, ताकि जो मिडिल इनकम जो लेवल ग्रुप है या फिर लोअर मिडिल इनकम लेवल जो ग्रुप है वो भी उनको अफोर्ड कर सके, और उनके बीच में वो पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो अपनी जगह बना सके। स्टोर बेस्ड रिटेलर्स हो गए हैं अब, ब्रांड स्टोर्स अब ओपन होते हैं, ब्रांड स्टोर्स के साथ में भी अब हमने देखा है कि मॉल वगैरह में मल्टी ब्रांड हो गए हैं अब कई स्टोर्स, तो वहाँ पे आपको एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको लगभग लगभग जो भी कैटेगरी है उस प्रोडक्ट की उसके अधिकतर ब्रांड्स हमको मिल जाते हैं। अब चीज़ें, क्योंकि चीज़ें अब री इंजीनियरिंग होना चालू हो गई है, कस्टमर फोकस्ड है, प्रोडक्शन भी कस्टमर फोकस्ड है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन उनको लेके आना है, और चॉइस का पूरा ध्यान रखना है, टेस्ट प्रेफरेंसेस का पूरा ध्यान रखना है। फिर कस्टमर्स ये भी कहते हैं कि जो लेटेस्ट फैशन है वो भी उनको इंक्लूड करना है, इसलिए फिर आउटसोर्सिंग हुई। स्पेशलाइज सर्विस चाहिए तो आप हर चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं कर सकते, तो आउटसोर्सिंग हुई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की। और ई कॉमर्स के बारे में तो जैसा कि हम बहुत फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ई कॉमर्स जो है वो बिल्कुल फैल गया है, खास करके इस पैंडेमिक के टाइम पर। तो जो वॉल्यूम्स हैं, जो ई कॉमर्स के वॉल्यूम्स हैं, वो भी अपसाइड चले गए हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब, क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो अब कंपनी ड्रिवन ना रहकर कंज्यूमर ड्रिवन हो गई हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट काफ़ी काम में आता है, और वो चाहते हैं कि कस्टमर रिटेन रहे, रिटेंशन रहे कस्टमर की, लॉयल्टी जो है कस्टमर की पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो उनकी बनी रहे। चीज़ों को टारगेट करते हुए वो जो अपन उनका जो कस्टमर शेयर है उनको वो बांट देते हैं कि पर्टिकुलर जो कोटा है या फिर टेरिटरी है उसमें इस तरह के कंज्यूमर ज़्यादा हैं, तो उनका ब्रांड जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में होना चाहिए, ताकि वो उनके बीच में पॉपुलर हो सकें। इसीलिए कस्टमाइजेशन की बात आई, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया, और चीज़ों को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्ट के जो नंबर्स हैं वो तो कम है, लेकिन उस कम नंबर से भी जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो हमें मिल सके। तो ये सब चीज़ें थी जिनके थ्रू जो मार्केटिंग है वो अपना जो फेस है वो चेंज कर रही है। यहाँ पर फेस चेंज करने से तात्पर्य ये है कि अब जो मार्केटिंग के जो प्रैक्टिसेज हैं वो अब थोड़ी थोड़ी चेंज होने काफ़ी समय से थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी थी, और अभी भी इस पेंडेमिक में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो मार्केटिंग है वो किस तरह से अपने फेस को चेंज कर रही है और प्रैक्टिसेज में क्या बदलाव आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम रखेंगे टारगेटिंग का। टारगेटिंग
नेक्स्ट लेक्चर हम रखेंगे सेगमेंटेशन का, हम क्योंकि एसटीपी फॉलो करेंगे, तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, देन पोजिशनिंग, और उसके बाद में प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, और इस तरह से हम एक क्रम से चलेंगे और सिलेबस के जो दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको छोटी सी एक आउटलाइन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।